सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A23 5G स्मार्टफोन का कैमरा फीचर्स और कैमरा सेटिंग का बात करेंगे। देखेंगे तो इस फोन में कैमरा में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटिंग्स है, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों ये फोन 8GB 128GB वेरियंट है और ये आपको लाइट ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कैमरा में क्या क्या सेटिंग्स है और क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए यहाँ पर टैप करता हूँ कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कैमरा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक फीचर से आप यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे राइट में कीजिए, ब्राइटनेस हाई हो रहा है। और यहाँ पे फिर से लेफ्ट में करोगे तो ब्राइटनेस स्लो होगा, तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस स्लो हो रहा है। और इसको लॉक भी कर पाओगे इस तरह से, यहाँ पे लॉक हो गया ब्राइटनेस, इस तरह से ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे, काफ़ी अच्छा फीचर से। अब दोस्तों यहाँ पे जूम का बात करूँ तो यहाँ पे इसमें हमें 2x ऑप्टिकल जूम आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2x ऑप्टिकल जूम हो चुका है। अब फुल जूम करता हूँ इस फोन में, और इस फोन में आपको 10x मैक्सिमम जूम देखने को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा जूम यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे टैप किया तो अल्ट्रा वाइड कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड से पिक्चर कैप्चर कर पाओगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों ऊपर में देखिए बहुत सारा आपको फीचर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कैमरा सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साइड में आपको मिलेगा फ्लैश, फ्लैश को अपने से कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे। उसके साइड में आपको मिल रहा है काउंट डाउन, यहाँ पे एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएगा, और उसके साइड में आपको मिलेगा फिल्टर्स, और यहाँ पे ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। टैप किया, यहाँ पे देखिए फेस यानी ब्यूटी का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको लेवल भी देखने को मिल रहा है। और उसके साइड में फिल्टर्स मिल जाएगा, यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फिल्टर्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा अच्छा फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ से बैक करता हूँ, तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोन का पोर्ट्रेट मोड पर। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट मोड पर आपको एक लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ से दोस्तों ब्लर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे, कम ज़्यादा कर पाओगे। और यहाँ पे आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में, तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ ब्यूटी के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको लेवल मिल रहा है, यहाँ पे ब्यूटी को कम ज़्यादा कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर से। तो अब यहाँ से इस फोन का वीडियो में, तो वीडियो रेजोल्यूशन का बात करूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ, चलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुल एच डी 30 FPS, और एच डी 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, उस समय नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इस फोन का फुल कैमरा टेस्ट और वीडियो टेस्ट किए हूँ, वो भी अभी टिकने तक जाकर देख लेना, मैं आई बटन में डाल लूँगा। और दोस्तों यहाँ से बैक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए वीडियो में आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी सब जगह ब्यूटी और फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से इस फोन का 50 MP पर इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सेप्रेस के ऊपर। तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ एक्सेप्रेस के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए 3:4 पर आपको मिल रहा है 50 MP। तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखिए 50 MP ऑन हो चुका है, यहाँ से 50 MP से आप पिक्चर क्लिक कर पाओगे। और दोस्तों 50 MP ऑन रहेगा तो आप HDR भी ऑन रहेगा, जो काफ़ी सही है। तो अब यहाँ से बैक करता हूँ, अब यहाँ से जाएंगे दोस्तों इस फोन का मोड में। तो चलो यहाँ टैप करता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रो मोड, पैनोरामा, फूड, उसके नीचे नाइट मोड, माइक्रो मोड। तो चलिए माइक्रो में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए माइक्रो कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ से माइक्रो पिक्चर क्लिक कर पाओगे। तो फिर से जाएंगे यहाँ पे मोड में, यहाँ पे देखिए आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस फोन से आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोन का फ्रंट कैमरा पर, तो फ्रंट कैमरा आपको देखिए इंटरफेस सेम इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम इन जूम आउट का। तो चलिए टैप करता हूँ यहाँ पे, जूम आउट हो गया और जूम इन हो गया, ये इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर पाओगे शॉर्टकट से, तो काफ़ी अच्छा फीचर से। और दोस्तों यहाँ पे आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ ब्यूटी के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा फिल्टर्स मिल जाएगा, और ब्यूटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऐसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। और पोर्ट्रेट मोड सेम ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर से लेवल सब ऑप्शन पर कस्टमाइज कर पाओगे। तो अब यहाँ से जाएंगे इसका वीडियो में, तो चलो यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 720px 30 FPS और फुल एच डी 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और दोस्तों वीडियो में आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा अच्छा फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोन का कैमरा सेटिंग्स पर, तो चलो यहाँ पे कैमरा सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, एक एक करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है। तो अब इस फोन का पहले फीचर्स का बात करूँ तो पहला फीचर है सीन ऑप्टिमाइजर। ये फीचर दोस्तों ऑन करके पिक्चर क्लिक करोगे तो आपका पिक्चर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फीचर का बात करता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर से नीचे आपको मिल जाएगा स्कैन QR कोड। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर आप QR कोड स्कैन करते हो, तो आप ये फीचर्स ऑन कर लीजिए, आपका स्कैन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ, नेक्स्ट फेज है स्विप शटर बटन 2। यहाँ पे टैप करता हूँ, चलिए टैप किया, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, टेक ए ब्लास्ट शॉट और क्रिएट GIF। यहाँ पे तो दोनों फीचर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज़ कर पाओगे इस तरह से, तो बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ, इस फोन का नेक्स्ट फेज है
वाटरमार्क, तो चलिए इसको टैप करता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे दोस्तों आपका ऑन नहीं था, यहाँ पे ऑन कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मॉडल नेम, डेट टाइम, और नीचे देखिए नीचे आपको मिल जाएगा फ्रंट और एलिगमेंट का ऑप्शन मिलना है। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे न्यू देखने को मिल रहा है। तो चलिए किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डेट टाइम में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए मॉडल नेम है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे विथ एक्स्ट्रा, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का दिखाएगा फोटो क्लिक करने के बाद। तो चलिए फोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे कैमरा में चलते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक हो चुका है। इस फोटो को ओपन करता हूँ तो आपको अच्छे से जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैलेक्सी A23 5G विथ एक्स्ट्रा, और नीचे डेट टाइम दिखा रहा है। इस तरह से तो काम करता है काफ़ी अच्छा पीछे से। तो चलिए फिर से बैक करता हूँ, यहाँ से फिर से जाएंगे सेटिंग्स पर, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे वाटरमार्क पर, तो नीचे देखिए एक ऑप्शन है फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट को आप चेंज कर पाओगे। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए फ्रंट चेंज हो रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से कर पाओगे, रख सकते हो। तो इस तरह से फ्रंट को चेंज कर पाओगे वाटरमार्क का। और नीचे देखिए एलिगमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों एलिगमेंट चेंज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट में है, और दोस्तों सेंटर में कर पाओगे, सेंटर में आ गया, और दोस्तों राइट में कर पाओगे। इस तरह से फॉन्ट को आप चेंज कर पाओगे और यहाँ पे एलिगमेंट को चेंज कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ अब। तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज से हाई एफिशिएंसी पिक्चर, यहाँ पे दोस्तों ए फीचर्स ऑन करके पिक्चर क्लिक करोगे तो आपका पिक्चर HEIF में फॉर्मेट हो जाएगा, बहुत ही आसान से एक कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो अब यहाँ पे आप इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर से सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यूड का ऑप्शन मिलना है। यहाँ पे ये फीचर से आपका ऑफ है। यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ एक किस तरह से काम करता है। तो चलिए कैमरा में चलते हैं, यहाँ पे सेल्फी में सिर्फ काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कैमरा इधर है, एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फोटो क्लिक किया, अब इस फोटो को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा राइट में चला गया, लेफ्ट में था राइट में चला गया है। तो अब चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, तो फिर से यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, क्लिक किया, यहाँ से फिर से जाएंगे सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड पर, यहाँ पे चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब फिर से कैमरा में चलते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब कैमरा लेफ्ट में है, तो यह फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फोटो भी पलटा नहीं है। इस तरह से तो ए फीचर्स काम करता है, आप फ्लिप को इस तरह से यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर से रिड्यूस फाइल साइज, ए फीचर दोस्तों ऑन करके आप वीडियो करोगे तो आपका वीडियो HEVC फाइल में फॉर्मेट हो जाएगा, बहुत ही आसान से दोस्तों HEVC फाइल में फॉर्मेट कर पाओगे आपका वीडियो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर से। तो ऑन नहीं तो आप इस तरह से ऑन कर लीजिए, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है वीडियो स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये फीचर्स ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करना, तो आपका वीडियो अच्छा रिकॉर्ड होगा, स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है ऑटो HDR, ऑटो HDR दोस्तों इस फोन का सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक क्लिक से इसको ऑन ऑफ कर पाओगे, इस तरह से ऑन ऑफ कर पाओगे। तो और दोस्तों इसके नीचे नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है ग्रिड लाइन, तो चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑन हो चुका है। अब दोस्तों ये किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा में जो लाइन आ चुका है, एक ग्रिड लाइन है। ये दोस्तों किस काम में यूज होता है मुझे मालूम नहीं है, आपका पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो चलिए फिर से जाएंगे इस फोन का सेटिंग्स में। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। इस फोन का नेक्स्ट फेज है लोकेशन टैग, यहाँ पे दोस्तों लोकेशन को एक क्लिक से ऑन ऑफ कर पाओगे, इस तरह से लोकेशन को ऑफ ऑन कर पाओगे। तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है शूटिंग मेथड्स, तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रेस वॉल्यूम की 2, तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ। यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेक पिक्चर और वीडियो रिकॉर्ड, जूम इन जूम आउट, कंट्रोल सिस्टम वॉल्यूम। तो दोस्तों इस तीन ऑप्शन को आप वॉल्यूम बटन से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक किस तरह से काम करता है। यहाँ पे टेक पिक्चर में सिलेक्ट, अभी चलिए कैमरा में चलते हैं। यहाँ पे जैसे कैमरा चलते वक्त यहाँ पे वॉल्यूम की क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे पिक्चर कैप्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो रहा है, इस तरह से आप वॉल्यूम की क्लिक करोगे तो पिक्चर कैप्चर होगा। तो चलिए फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे शूटिंग मेथड पर। तो यहाँ पे प्रेस वॉल्यूम की में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जूम इन आउट में क्लिक कर लेते हैं। चलिए सिलेक्ट हो चुका है। अब चलिए कैमरा में चलते हैं, यहाँ पे कैमरा चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम की क्लिक करोगे तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। तो यहाँ पे देखिए जूम इन हो रहा है, और यहाँ पे डाउन के क्लिक करने से जूम आउट होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको कंट्रोल कर पाओगे काफ़ी अच्छे पीछे से।
तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे इस फोन का सेटिंग्स में, फिर से यहाँ से जाएंगे शूटिंग मेथड पर। तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ इसके ऊपर, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम वॉल्यूम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो फिर से कैमरा में जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैमरा चलते वक्त। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अप हो रहा है और डाउन हो रहा है, इस तरह से इसको इस्तेमाल कर पाओगे आप दोस्तों तीनों फीचर्स को, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन से और अप से कंट्रोल कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है। तो फिर से जाएंगे इस फोन का सेटिंग्स में, यहाँ पे शूटिंग मेथड में दोस्तों वॉल्यूम बटन से ज़्यादा पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं टेक पिक्चर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है फ्लोटिंग शटर बटन, यहाँ पे फेज पहले से ऑफ है, तो चलिए पहले इसको ऑन कर लेता हूँ, अब इस हिस्से से काम करता है आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टैप करता हूँ तो ऑन हो चुका है। चलिए कैमरा में चलते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है फ्लोटिंग बटन, यहाँ पे जहाँ भी ले जाओगे वो जाएगा, और यहाँ पे उसको टैप करोगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। देखिए फोटो क्लिक हो रहा है, आप जहाँ भी क्लिक करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा, ये भी अच्छा फीचर से। यहाँ पे बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों में एक काम करता है, देखिए यहाँ पर भी फोटो क्लिक हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा फीचर से। तो चलिए इसे बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे इस फोन का सेटिंग्स में, तो फिर से जाएंगे यहाँ पे शूटिंग मेथड पर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है शो प्लम, तो ये फीचर्स पहले से ऑन है, एक किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो चलिए कैमरा में चलते हैं, ये दोस्तों सिर्फ सेल्फी कैमरा में काम करता है, यानी फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे दोस्तों लिखा आ रहा है आपको अच्छे से हाथ दिखाना पड़ेगा तो फोटो क्लिक हो जाएगा। चलिए आपको अच्छे से हाथ दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अच्छे से हाथ दिखाना पड़ेगा तब फोटो क्लिक होगा। तो चलिए मैं अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो रहा है, तो फोटो क्लिक हो चुका है। इस तरह से तो आप फोटो क्लिक कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर से। तो चलिए इसे बैक करता हूँ, तो अब दोस्तों इस फोन का नेक्स्ट फेज का बात करता हूँ। नेक्स्ट फेज है सेटिंग्स टू कीप, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है, कैमरा मोड, सेल्फी एंगल और नीचे फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करोगे, यहाँ पे ऑन कर दीजिए, आपको पिक्चर में और भी इनहेंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसे बैक करता हूँ, और उसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी नोटिस, उसके नीचे परमिशन, और यहाँ पे रिसेट सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे चलिए टैप करता हूँ सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए पूरा सेटिंग्स यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। यहाँ पे रिसेट में क्लिक करने से आप जो जो एडिट किए थे, सेटिंग किए थे, वो यहाँ पे रिसेट हो जाएगा, और उसके नीचे अबाउट कैमरा और कॉन्टैक्ट यूएस का ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए इसे बैक करता हूँ, इतना ही था दोस्तों इस फोन का कैमरा फीचर्स और कैमरा सेटिंग्स। तो उम्मीद करता हूँ इसको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A23 5G रिलेटेड को भी सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।